आज मैंने यस मैडम से बुलाया है फेशियल करने के लिए अपना, क्योंकि मंथली फेशियल करवाना जरूरी होता है। और यहाँ पर जो है मेरी ब्यूटीशियन आ चुकी हैं, ये अपना रेडी हो रही है मेरा फेशियल करने के लिए। और इन्होंने मुझे ये कुछ किट दी है जिससे मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँ ताकि फेशियल करते समय जो है मेरे कपड़े ख़राब ना हो। और आज मैं करवाने वाली हूँ सारा का फेशियल, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सारा के फेशियल में जो है 6 स्टेप्स जो हैं वो होते हैं, तो जो आपको स्क्रीन में स्टेप्स दिख रहे हैं इसी स्टेप से जो है मेरा फेशियल होगा। और यहाँ पर उन्होंने अपना पूरा जो सेटअप है वो कर लिया है। और अब जो है सबसे पहले उन्होंने मुझे अपने मेरे फेस पर जो है क्लिंजिंग मिल्क जो है वो यूज़ किया है। और मैं यहाँ पर जो है ब्यूटिशियन से बीच बीच में बात भी करती जा रही थी ताकि आपको भी समझ में आता जाए कि वो किस तरीके से जो मेरा फेशियल कर रही हैं और किस तरीके के जो स्टेप्स हैं वो यूज़ कर रही हैं। ये गोल्ड पील सीरम है मैम, जैसे आपका एक ने डार्क स्पॉट है ना उसके लिए अच्छा है ये मैम बहुत। ओके जैसे स्क्रब इसमें हार्ड इतना नहीं आता है ताकि स्किन के लिए डैमेज ना हो बोलने के लिए, इसलिए इसके लिए पील वाला निकाला हुआ है। ओके तो सेकंड स्टेप जो है वो स्क्रब ना होकर इन्होंने कोई सीरम जैसा दिया है, पील ऑफ मास्क जैसा दिया है, लेकिन पील तो नहीं किया था, कॉटन से जो है वही क्लीन कर दिया था। तो स्क्रब की जगह इन्होंने यूज़ किया है ये वाला सीरम और बहुत ही हल्के हाथों से जो है मेरे फेस में इन्होंने लगा दिया है, उसको रब बिल्कुल नहीं किया। तो क्योंकि पील ऑफ मास्क है तो यस आपको जो है वो केवल अपने फेस पे लगा लेना है और उसके बाद छोड़ देना है। और फिर इन्होंने मेरे फेस पर जो है वो स्टीम दी, और स्टीम जो है जब आपके फेस पे लगती है तो जितने भी आपके स्किन पे वाइट हेड या ब्लैक हेड्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं। स्टीम के बाद इन्होंने मुझे थोड़ा हल्का मसाज दिया और उसके बाद जो है ब्लैक हेड्स निकाले थे। अभी क्या कर रही हो? ये ब्लैक इज वाइट रिमूव कर। अच्छा, मेरे फेस में बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स नहीं हैं, बट फिर भी अगर थोड़े बहुत हैं तो उनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको जो है ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ज़रूर निकालने चाहिए रेगुलरली अगर आपके फेस पर हैं। क्या लगा रहे हो? टोनर है। अच्छा, ये क्या लगा रहे हो? ये मसाज क्रीम है। अच्छा, जेल भी आता है। इसमें मल्ड मार्क्स आते हैं मैम। अच्छा, 2 मार्क्स आता है इसमें, एक मड मास्क दूसरा नॉर्मल मास्क। इससे होता क्या है? ये क्या होता है मैम, हमारा इसकी हैंड से करते तो हैंड कभी गर्म हो जाता है हमारा हैंड, तो ये क्या होता है हर समय कोल्ड रहता है हैंड हमारा, गर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये यूज कर ताकि लास्ट में आपका स्किन कोल्ड ही रहे। फिर करते समय ठंड गर्म नहीं होना चाहिए? नहीं मैम, स्किन गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा वाला रिजल्ट चाहिए तो कोल्ड ही होना है, तभी ठंडे पानी से करते हैं लोग। अभी देखिए कितना भी कितना ठंडा हो गया मैम, इस सर्दी के साथ गर्म है। अब हैंड से 10 मिनट भी करोगे, इसमें 2 मिनट्स भी करोगे तो इतना अच्छा ग्लोइंग होता है मैम। मसाज के बाद इन्होंने जो है मेरा बैक साइड में जो है वो बैक मसाज की और नेक मसाज की, तो उससे थोड़ा आपको रिफ्रेश जो है वो फील होता है, क्योंकि फेशियल के साथ साथ अगर बैक मसाज हो जाता है तो इन्होंने मेरा किया था। अब इसके बाद जो है एक मास्क लगाया है मुझे इन्होंने, ये डायरेक्ट जो है पाउच ओपन किया है और उससे जो है मेरे फेस पे जो है वो मास्क लगाया है। तो ये फेशियल मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है वो मास्क ही हैं, तो आप इस फेशियल को डेफिनेटली घर में कर सकते हैं। और जिस तरीके से ब्यूटिशियन ने स्टेप किए हैं आप उस तरीके से जो है वो स्टेप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो स्टेप्स नहीं किए हैं। 10 मिनट बाद पूछा ना? 10 मिनट्स। यस मैडम, बिल्कुल अर्बन कंपनी जो है उसकी जैसे ही है, इसमें जो है आपको होम सर्विस मिलती है। और यस मैडम, दिल्ली में जो है काफ़ी पुरानी है बट यहाँ पर बेंगलोर में जो है अभी न्यूली लॉन्च किया है इन्होंने, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इनके जो चार्जेस हैं ना मुझे थोड़े हिडन लगे। आपको जो फेशियल जो मैं यहाँ ने फेशियल मैंने करवाया है इसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इन्होंने फिर से जो है मेरे फेस में कोई सीरम जैसा है वो जो है वो यूज़ किया है और उससे जो है मेरे फेस में मसाज करी है।
यहाँ पे मैं आपको जो है वो नॉर्मल मोड में दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से जो है वो स्टेप्स जो हैं उन्होंने किए हैं, ताकि अगर आप घर में ट्राई करें या अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वाले जो स्टेप्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ईजी स्टेप्स हैं। ये मुल्तानी मिट्टी जैसा है? नहीं, मुल्तानी नहीं है। नहीं नहीं मतलब उसी तरीके का है ना, उसको गीला किया था, सूखा था। हाँ, पाउडर है, ये पाउडर है, उसमें पानी डाल के उसे मिक्स किया। हाँ। जब आप इस मास्क को लगाते हैं ना तो आपके फेस में ना बहुत ठंडा सा फील होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने आइस रख दी, तो काफ़ी अच्छा मास्क है। हाँ, एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी, जब आप साइट पे जाएंगे ना तो वहाँ पे लिखा रहेगा 789 रुपीज़ का ये जो फेशियल है वो लिखा रहता है, लेकिन ये कन्वेंस फी और ट्रांसपोर्टेशन फ़ी को जो जोड़ देते हैं एक्स्ट्रा से, और जो आपका ये फेशियल हो जाता है वो 955 रुपीज़ का हो जाता है। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि कस्टमर को जो है आप सीधा यही बोल दो ना कि ये फेशियल आपका 955 रुपीज़ का है, एक्स्ट्रा क्यों दिखा है, मतलब पहले दिखा देते हैं कम फिर दिखा देते हैं ज़्यादा, तो वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। मैंने जो पे किया है उसका जो मैं स्क्रीनशॉट है वो डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा कि इनके क्या क्या किस तरीके से चार्जेस रहते हैं। यहाँ अगर मैं यस मैडम की सर्विस की बात करूँ तो मुझे इनकी ब्यूटिशियन बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस नहीं लगी, उसके हाथ जो है ना बहुत ही ज़्यादा, कभी कुछ सामान यहाँ गिर रहा था कभी कुछ वहाँ गिर रहा था, तो मतलब मुझे उतना ज़्यादा समझ नहीं आया। लेकिन अगर मैं सारा फेशियल की बात करूँ तो सारा फेशियल जो है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि फेशियल करने के बाद तुरंत ग्लो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मेरे फेस पर जो है इंस्टेंटली ग्लो आ गया है, और दो तीन दिन के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा सा जो है वो ग्लो आ रहा था, मतलब मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड सब लोग जो है वो नोटिस कर पा रहे थे। और जो आज का जो वीडियो है मैंने पूरा ट्राई किया है आपको अच्छे से समझाने का, और मैंने जो भी एक्सपीरियंस है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वहां पर एक बेल आइकन आएगा, उसे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे जो भी नए वीडियो हैं वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। यहाँ पे इन्होंने फेशियल कर लिया है और अब ये जा रही हैं। सेव गर्ल रिस्पेक्ट वुमन, इसी थॉट के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।